आपसे वो पूछ सकते हैं अंकित हम बहुत देर से सवाल के इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी और हम सवाल पूछेंगे आप अपनी लाइफ के बारे में हर चीज आपने बता दी yes. दर्शक समझ भी गए लेकिन इसमें एक एक चीज समझ में आती है कि इमोशनल 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 हाँ मैं हूँ नहीं इमोशनल कार्ड चाहे बिग बॉस के अंदर हो या घर के बाहर हो या ठेला लगाने पर हो yes. या दूसरे का ठेला बंद करवाने पर हो आपको पक्का पता है मैंने दूसरों को ठेले बंद करवाए

वड़ा पाव कैसा है मैंने तो नहीं खाया okay. बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया होगा तो आपने गलती कर और तो स्वाद नहीं है लेकिन बस वो नेम तो फेम मैं की से... कि आप स्पेशली मेरी दुकान पे मैं आपको पर्सनली इनवाइट करती हूँ हाथ जोड़ के आप आई और मेरे ग्राहकों से पर्सनली पूछिए भाई वड़ा पाव क्या है नहीं आएंगे जरूर आएंगे बिल्कुल आपने बस लोगों की बात लोग जजमेंटल हमारे देश का सबसे बड़ी एक गलती है हो है हम किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं और से प्रचार करवाया मैं जानती हूं जब मेरा पति पहली बार रेडी धक्का लगा रहा था ना तो मम्मी जी और वंशिका और उसके मन में गिल्ट आ गया था कि यार कहा था और कहा आ गया कहा था आईफोन हाथ में है और आप कह रहे हो मेरी चटनी खराब हो जाएगी तो मुझे कमाना पसंद है मैं मेहनत कर रही हूँ छीन नहीं तो रही ना लोगों से मैं मेहनत कर रही हूं। मैं तो सोलह आने का भी वेट कर रही हूँ जैसे आएगा पहला मोबाइल मेरे घर आएगा क्योंकि मैं उस चीज के लिए कमा रही हूँ मैं अपने बेटे को एक हाईफाई स्कूल में पढ़ाने का दम रखती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि वड़ा पाओ वाली तो हाई नहीं करेगी सपने तो पूरे करना एक हर इंसान की ख्वाहिश होती है मैंने अपने सपने मार लिए पर मैं अपने फैमिली के लिए कभी नहीं मारूंगी मेरे पति जब हम वड़ा पाव नहीं भी चलाते थे तो पहला मोबाइल भी उसने आईफोन लिया था आपने वो तो नहीं देखा

जब आप पे सीधा कोई सवाल करते हैं, तो आप देते हैं। नहीं टाइगर करे क्वेश्चन और मैं, मैं जवाब दूसे मेरे को बहुत तीखे लोग पहले स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे कोई मुझसे पूछता ना मैडम आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी मैं कहती हूँ पूज भाई और तीखे सवाल पूछना क्योंकि मेरी लाइफ लोगों को एक हंसता खेलता मजाक लगने लग गई है लोगों ने मुझे पब्लिक फिगर बना लिया है लोग डोंट नो उसको मेरे पति को एक वो इतना सही इंसान है उसको बिग बॉस अगर मैं मेरे वो साई केतन पर भी लफ्ज इसलिए उठाया था उसको पिन किया जाता है ये तुझे छोड़ देगी ये तुझे डम्बरू बना के रख देगी तू तू इसका ड्राइवर है है ये तूने इसको बढ़ा दिया तुझे ऐसा कर देगी तुमने मुझे जाना है जब मैं रेडी पे खड़ी होती थी आके बोलते थे कैसे पति से शादी कर ली तुझे रेडी पे खड़ा कर दिया आपने तमाम स्टोरी ऐसे आती हैं एसडीएम वाली स्टोरी आई

पर जब मैंने इतने माँ बाप 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 क्या होता है मैं बताती हूँ मैं चौखट पे बेटी होती थी और इंतजार करती थी कि अब आएगा मैं अपने बाप से बहुत नफरत करती थी मेरे मैं मर्द जात से नफरत करती थी मेरे दिमाग से यश ने मर्दों के लिए नफरत मिटाई है मैं हूँ तीखी मैं कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट हूँ हाँ। कुछ लोगों के लिए जहां मुझे लगता सौफ्ट, है सॉफ्ट एज बड़ा बहुत तीखी है चटनी हाँ। मैं हूँ मेरे को पसंद आते हैं सर तीखा

आप आप दीक्षित जी प्लीज आइए सर कभी दीपांजलि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने विशाल के मुद्दे पे मैं बिग बॉस के मुद्दे पे ही पूछूंगी क्योंकि विशाल के कैरेक्टर पे बात उठी थी सेम चीज आपके साथ हुई थी साई के बीच में yes. तो जब आपका मुद्दा हाईलाइट नहीं हुआ तो आपको क्यों लगता है कि विशाल का मुद्दा बार बार हाईलाइट होना एक चीज बता देती हूँ एडिट नाम की आपने चीज सुनी होगी शायद हम एडिट ला मेरी मेरी जो लाइफ है ना वो एडिटरों ने ही बेस्ट करी है मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी बेस कर दी मेरी लाइफ तो ए, एक शब्द जैसे मैं अपने पति को लेके बहुत पॉजिटिव हूं वो मुझे लेके बहुत पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि शक करता है मैं यहां भी क्लियर कर देना चाहती हूँ हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं ठीक है अगर साई केतन वो मेरा भाई है मैंने जाते जाते भी उससे अच्छे से बात करी है जरूरी नहीं था कि हम साथ बैठ के बात नहीं कर रहे इसका मतलब उस लड़के का कैरेक्टर खराब है उसने जब कहा जब सना सुल्तान ने मेरे हाथ का पॉइंट दबाया था तो उसने कहा मैं तेरा बैग दबा देता हूँ उसका बोलना गलत नहीं था पर मेरा ये बोलना बिल्कुल सही था कि अगर तू दबा देगा बाहर वो वीडियो कैसे आएगा मुझे नहीं पता दूसरी बात मेरे पति को कैसे मुझे नहीं पता। फिर उसकी देख रहे थे तो आपके में ऐसा नहीं आया विशाल की इमेज क्या बाहर जाएगी विशाल के माँ बाप विशाल की इमेज क्या बाहर जाएगी जब वो साथ बैठा बंदा आपको आपकी दोस्ती का मतलब पता है जो 24 घंटे आपके साथ एक क्लिप भी हुई थी जिसमें वो नहीं है आपने शायद जिम वाली वीडियो देखी है

मेरे से अगर कोई ये क्वेश्चन करता कि इस रूल इस घर के हिसाब से ये गलत है तो हाँ गलत है तो आपने ये पॉइंट वहां था मुझे नहीं पता नहीं, वो... पर जी नेजी ने बोला कि बिग बॉस आपके डिसीजन exactly. है लेकिन थप्पड़ मारना गलत है। नेजी ने, ने, ने उसके बाद ये वर्ड कहा था कि अगर मेरी मेरी बहन पे आता तो मैं चाकू गोप देता वो शब्द आया यहाँ पे तो वो हमारे सामने हुआ बहुत सारी क्लिप्स आप लोगों के सामने नहीं आती हमें पूरा घुमा दिया था आधे घंटे का ब्रेक लिया गया था और हमें स्पेशल केस

सबको पता है और अरमान जरूर घर में पर काम करवाएगा आपको लगता है काम होता था वो अपनी स्पेशली पत्नी को भेज देते थे कि जा लड़की की हेल्प करवा वो कभी नहीं करेंगे मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वैसे तो बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है अगर आपको दोबारा बुलाना चाहें और अगर आप वहाँ पे जाते हैं वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड के तौर पर तो वहाँ आप किससे uh, क्या रिवेंज uh, लेना चाहोगे देखो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी आपकी वॉइस बहुत प्यारी है सच्ची आपकी वॉइस बहुत you. प्यारी है और अगर कोई मुझसे सॉफ्ट क्वेश्चन करेगा तो मैं भी उसे सॉफ्ट पे ही जवाब दूंगी ठीक है कोई तीखे सवाल करेगा तो तीखा खाएगा <laughs> मतलब आप तो बहुत प्यारा क्वेश्चन करा आपने मुझसे इसी में अपना हाँ, अपना मैं, तो मैं तीखापन आपको सुनाऊंगी जरूर बट बहुत प्यार से तो मैं अदनान का गटर बंद करना चाहूंगा जो दोनों तरफ से वो हगरा है वहां अंदर उसका मुंह का गटर वो बंद कर दूंगी क्योंकि चंद्रिका वहां नहीं है तू भूल चुका है तू चंद्रिका का नाम लेके फेमस मत हो सेकेंड जिन लोगों ने खा के थाली में कहते ना पीठ पीछे खाने के टाइम तो सब आ गए और आपने पीठ पीछे वार किया है तो उनको उनके औकात दिखाऊंगी और कचरा साफ घर का बाहर फेंकूंगी उसको गेम प्ले करने के लिए भेजा था वो झाड़ू और लूट जला रहा है तो ये चीजें और उसको बात करने की तमीज नहीं है दीपक भैया से जो बदतमीजी मैं बात करी उसको उसकी